हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों देख ही सकते हैं, एक और पार्सल मेरे हाथ आ चुकी है और ये पार्सल आई है दोस्तों हेलो बुक माइंड की तरफ से। वैसे तो ये काफ़ी पहले ही आ गई थी, बट वक्त की कमी के कारण गाइस मैं इसको अनबॉक्स नहीं कर पाया था। आज अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर आखिर कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। चलिए फिर जल्दी से मैं इसको अनरैप करता हूँ, उसके बाद अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ। फाइनली गाइज, कड़ी मेहनत के बाद ये पार्सल खुल चुका है और ये रहा अंदर का खजाना। क्या आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो सबसे ऊपर कौन सी कॉमिक्स है? खैर, इस बिल को मैं मोड़ के साइड में रख देता हूँ, आप लोग ये बताइए कि ये कौन सी कॉमिक्स है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, ये है विश्वपरस्त। जी हाँ दोस्तों, विश्वपरस्त क्षतिपूर्ति श्रृंखला की एक किताब है। इनफैक्ट वीरगति इस श्रृंखला की आखिरी किताब थी जिसमें नागराज का अंत हो जाता, उसके बाद ये क्षतिपूर्ति श्रृंखला आई थी। मैंने अभी ढेर सारी किताबें जो नई कॉमिक्स आई थी गाइस इनको नहीं पढ़ा है, तो एक एक करके इकट्ठा कर रहा हूँ, इसके बाद पढ़ना चालू करूँगा। मैंने वीरगति पढ़ी है, वो मेरे पास पढ़ी हुई है, बट ये उसके बाद आती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड ऑल दिस न्यू बुक्स, न्यू कॉमिक्स। और ये कुछ अंदर की पेजेस आप लोग देख सकते हैं, पीछे जो एड्स लगे हुए हैं, सर्वरंट का है, प्रकोष्ठ के कैदी, ये कौन सा कॉमिक्स है इसके बारे में तो मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। उसके बाद विषहरता, ये तो कॉमिक्स की कवर पेज मैंने शायद देखी है, पढ़ी नहीं अभी। और पीछे संजय गुप्ता जी द्वारा लिखी हुई ग्रीन पेज यानी कि स्वर्ण पृष्ठ जो कि वो लिखते हैं अक्सर, इनफैक्ट लगभग सारी किताबों में, सारी कॉमिक्स में। और ये दोस्तों पेज नंबर 1 का जो लुक है, और ये कुछ अंदर की यू नो तस्वीरें। कुल मिलाकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको पढ़ने के लिए। 96 पेजेस की ये कॉमिक है और ये देख सकते हैं काफ़ी शानदार सी, यह है विश्वपरस्त। अब दोस्तों बारी है दूसरे कॉमिक्स की, यह है निशाचर, लार्ज साइज में, बड़ी साइज में। निशाचर मैंने पढ़ी थी काफ़ी जब काफ़ी छोटा था यू नो, और इसकी स्टोरी काफ़ी तगड़ी लगी थी। यदि बताऊँ तो निशाचर को पढ़ने के बाद काफ़ी गैप हो गया था यू नो, बाकी लाइक जो 25 रुपीस की आती थी, प्रलय, राजनगर की तबाही, विनाश, ये सब मिलते रहते थे, मैं पढ़ता रहता था, खरीदता रहता था, तो उनको ऑर्डर करना फ़िलहाल मैंने ज़रूरी नहीं जाना, बट निशाचर ऑर्डर करना ज़रूरी था तो मैंने इसको मंगा लिया। और ये गाइस पोस्ट कार्ड काफ़ी दिक्कत हो रही खोलने में, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ज़रा सी सीजर लगा देता हूँ और उसके बाद ये खुल जाएगी। एक पोस्ट कार्ड मिली है नागराज की और ये देख सकते हैं, और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यदि मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि ये जो निशाचर है इसकी जो साइज है ये सर्वसत्र के बिल्कुल बराबर, मैं उसको भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। पहले कुछ पेजेस को देखिए, ये और इधर कलयुग का एंड, बड़ा सा 3-in-1 ये एक्चुअली विशेषांक थी जिसमें शक्ति भी थी ध्रुव और नागराज के अलावा। ये देख सकते हैं थोड़ी सी फटी हुई, हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं कोई रीसेलर या सेलर नहीं हूँ, अपने पास ये रहेंगी। हल्की फुल्की इस तरह दिक्कत आ भी जाती है तो मुझे कोई इशू नहीं रहता है। और ये देख सकते हैं शानदार से कलयुग का एड, ये कॉमिक्स मेरे पास मिंट कंडीशन में पड़ी हुई है। ये प्राइस है दोस्तों 180 रुपये, लार्ज साइज में पब्लिश हुई है, तो हालांकि ये 10% डिस्काउंट के साथ मुझे सारे बुक्स मिले हैं एक्सेप्ट फॉर नीचे वाला कहीं ज़्यादा डिस्काउंट मैंने लिया है, उसके बारे में बताऊँगा वो जब आएंगे। फिलहाल निशाचर के कुछ अंदर के पेजेस देखिए, डोगा उत्थ्रुव को लेकर पहली बार अनुपम सिन्हा सर ने कहानी बनाई थी और काफ़ी यू नो
तगड़ी कहानी। ये देख सकते हैं अंदर के पेजेस, ये जो राइटिंग को थोड़ी बोल्ड की गई, ऊपर जो लिखा हुआ निशाचर और राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता, इसको थोड़ा बोल्ड फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाया गया है, लिखा गया है। तो ये दोस्तों निशाचर, चलिए अब मैं थोड़ी सी साइज कंपेयर करके दिखाता हूँ सर्फ सत्र के साथ। ये देखिए, ये जो नई वाली आई थी सर्फ सत्र, एकदम समान है, इक्वल है और बिल्कुल उसी साइज में इसको पब्लिश किया जा रही है। और ये अमर चित्र कथा से कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंस्पायर्ड है, क्योंकि उसकी भी साइज सेम है। मैं समझता हूँ जरा सी एक अमर चित्र कथा के साथ मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रहलाद के साथ यदि मैं कंपेयर करूँ तो देख सकते हैं, ओह थोड़ी सी यहाँ पे अमर चित्र कथा बड़ी साइज में है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जो नए साइज में पब्लिश करी उससे। एनीवे तो ये निशाचर और बाकी जो लार्ज साइज में पब्लिश हो रहे हैं गाइस रिसेंटली, वो सारे सर्फ सत्र के साइज में आ रहे हैं। चलिए मैं इसको भी रख देता हूँ। और आखिरी किताब दोस्तों करना विक्ट्री इन डेथ, ये किताब दोस्तों कैंप फायर की है, ग्राफिक नॉवल, और मैंने अभी पढ़ी नहीं है बट इसके बारे में काफ़ी सुना गाइस, यू नो, और काफ़ी डिस्काउंट भी मिली थी, मुझे लगता है 35% के आसपास डिस्काउंट लगी हुई थी इस किताब में। तो मैंने देर नहीं लगाई फिर ऑर्डर करने में, क्योंकि कई बार डिस्काउंट रहते हैं कई बार नहीं रहते हैं। ये देख सकते हैं बैक कवर बुक का, और ये इसकी प्राइस 350 रुपये। हालांकि जैसे मैंने बताया 35% डिस्काउंट इस पर मिले हैं, और ये कुछ अंदर की तस्वीरें। धीरे धीरे मैं केम फायर की भी कुछ कुछ कॉमिक्स इकट्ठा कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे मेरी कलेक्शन थोड़ी बड़ी होगी तो मैं दिखाऊंगा एक साथ जितनी भी आएंगे। ये देख सकते हैं काफी सुंदर, ये देखिए क्या ये वही सूर्यपुत्र कर्ण की जो कहानी है उसी को दिखाया गया है, या फिर कुछ नया किया गया है, ये तो इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अंदर की तस्वीरें देखिए काफ़ी शानदार लग रही है। ये देखिए वाओ, ये आखिर कुछ पेजेस। तो ये है दोस्तों कार्ड। तो तीन किताब मैंने मंगाई थी, आप लोग देख सकते हैं, और ये निशाचर और ये विश परस्त, और साथ में मिली ये पोस्ट कार्ड। तो ये है दोस्तों तीन कॉमिक्स जो मैंने मंगाई थी इस बार हेलो बुक माइंड से। इनफैक्ट काफ़ी पहले ही आ गई थी दोस्तों, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो चुके हैं आज मैं इस पार्सल को खोल रहा हूँ। तो चलिए इस अनबॉक्सिंग में इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।